हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखा था, उसके बाद है 26, बट वो शॉर्ट सम है, छोटा वाला है। सो वो हम ऑनलाइन लेक्चर्स में देख लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27, वो भी चैप्टर नंबर 5 का। उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंट्स है, लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के दिया है। सो अब हम देखते हैं सम, सम में क्या है। सो पंडित एंड पंडिया, इट्स अ पंडिया नॉट ए पांड्या, आर अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है पंडित एंड पंडिया का। सो पंडित पंडिया एंड हिज रेशियो इज़ अ 2:1, सो 2/3 एंड 1/3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 वॉज एज अंडर। देखते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल दिया है पंडित एंड पंडिया का, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर वर्क्समैन शेयरिंग अकाउंट्स, वर्क्समैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, 10% लोन एंड क्रेडिटर्स। देखते हैं एसेट साइड, तो यहाँ पे गुडविल दी है, तो दिस इज अ ओल्ड गुडविल, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक्स डेटर्स एंड कैश बैलेंस दिया है। सो ये था बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं उसके एडजस्टमेंट क्या है उसमें। सो लिखा है दे एडमिटेड पटेल एज अ न्यू पार्टनर्स एंड एज ऑन 1/4/2016। सो न्यू पार्टनर्स पटेल को एडमिट किया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट 3:5:1। सो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है 3:5:1। सो न्यू रेशियो दे दिया है, तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। सो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पंडित की, फिर बात करेंगे पंडिया की। ओके, सो ओल्ड शेयर पंडित का 2/3, पंडिया का 1/3। चलिए न्यू शेयर, तो 5 + 3 = 8, 8 + 1 कितना होगा 9। सो माइनस न्यू शेयर 3/9 माइनस 5/9। एल्शियम लेते हैं 9 × 3 = 27, सेम हियर 27, 9 × 2 = 18, 3 × 3 = 9, सो आंसर इज 9/27। हियर 9 × 1 = 9, 3 × 5 = 15, 9 − 15, सो आंसर इज −6/27। सो यहाँ पे गेन हो रहा है किसको, पंडिया को। तो एज़ पर रूल्स, अगर कोई पार्टनर्स को गेन हो रहा है तो वो गेन रेशियो के हिसाब से गुडविल लाएगा और जिसको भी सेक्रीफाइस किया है उसको देगा। ओके, सो वो हम देखेंगे जब गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा तब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है पटेल ब्रॉट 50,000 एज इज कैपिटल इन कैश, तो पटेल 50,000 कैश ला रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, तो लोन पे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट नंबर 4, पर्सनल एक्सपेंस ₹8,000 ऑफ पंडिया वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसकी डायरेक्ट हम एंट्री देंगे। नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय पंडित, उसको भी वैसे ही रहने दो, उसकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी। नंबर 6, गुडविल इज़ वैल्यूएटेड एट 2,70,000, तो हम गुडविल के हिसाब से फाइंड करेंगे पटेल को कितनी लानी है, पंडिया को कितनी लानी है। ओके, और ये दोनों गुडविल लाएंगे और पंडित को देंगे, क्योंकि पंडिया ने गेन किया है, सेक्रीफाइस ओनली पंडित ने किया है, तो सारी गुडविल पंडित को ही मिलेगी। एंड लास्ट वन इज, ये इलस्ट्रेशन 26 के जैसा है, कैपिटल ऑफ पंडित एंड पंडिया इन द न्यू फॉर्म शुड बी केप्ट इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाई टेकिंग अ पटेल्स कैपिटल
एज अ बेस, यानी कि पटेल की जो कैपिटल है उसको बेस लेके पंडित एंड पंड्या की कैपिटल भी, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस उतना रखना है, कितना, तो उसके पीएनएल के न्यू रेशियो के हिसाब से। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन देयर करंट अकाउंट्स, यानी कि जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो उसके करंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है। तो ये था क्वेश्चन, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देंगे हम कैपिटल, तो देखते हैं कैपिटल में क्या दिया है। पंड्या एंड पंडित 130 एंड 120, सो कैपिटल में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 130,000, 120,000, ओके। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 2:1 में, सो 21,000 को 2:1 में हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 14,000 and 7,000। नेक्स्ट वर्क्समैन शेयरिंग अकाउंट्स, तो इट्स फॉर वर्क्समैन, ये वर्क्समैन के लिए है, यानी कि ये शेयर नहीं होगा, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा वर्कमैन सेविंग अकाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट वर्क्समैन को मिलेगी इसीलिए बैलेंस शीट में। नेक्स्ट वर्क्समैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो भी यहाँ पे आएगा, एंड अमाउंट इज 12,000। नेक्स्ट 10% लोन, वो भी यहाँ पे आएगा, अमाउंट इज 50,000। क्रेडिटर्स 57,000, नो एडजस्टमेंट, सो बाहर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं एसेट साइड, तो एसेट साइड सबसे पहले हमको क्या दिया है, तो एसेट साइड सबसे पहले हमको दिया है गुडविल, तो दिस इज ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, 30,000 को 2:1 में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 and 10,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यही लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, अमाउंट इज 2 lakhs, नो एडजस्टमेंट, सो बाहर लिखेंगे। फिर फर्नीचर 40,000, नेक्स्ट वन इज अ स्टॉक 26,000, नेक्स्ट वन इज अ डेटर्स 24,000, नो एडजस्टमेंट, एंड लास्ट वन इज अ कैश, तो कैश हम जाएंगे कैश अकाउंट्स में, ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 80,000। सो नाउ वी कंप्लीट अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज फिनिश, अब हम देखेंगे उसके एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या दिया है। सो हियर एडजस्टमेंट इज दे एडमिटेड पटेल एज अ न्यू पार्टनर्स एज ऑन 1/4/2016 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो पहले दिया है फर्स्ट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी कैप्ड 3:5:1, वो हमने लिख दिया था। नेक्स्ट पटेल ब्रॉट 50,000 एज इज कैपिटल इन कैश, सो कैश में आ रहा है 50,000, कौन ला रहा है, पटेल, तो कैश कम्स इन, कम्स इन यानी कि यहाँ पे डेबिट, और पटेल इज अ गिवर, तो पटेल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 50,000 और यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, तो इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट करना है, 50,000 का 10% यानी कि 5,000 देने का बाकी है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे 5,000 क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000।
नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ₹8,000 ऑफ पंड्या वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि पंड्या का पर्सनल एक्सपेंस था, पर्सनल एक्सपेंस पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड लिखना था, बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दिया। रिवैल्यूएशन इज अ वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जाएगा, सो बाय मिस्टेक इसके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख दिया, ऐसा सोचते हैं हम, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे डेबिट किया तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,000, किसका था, पंडिया का था, तो लिखेंगे पंडियाज अकाउंट, और पंडिया के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 8,000, और यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, क्योंकि पंडिया का एक्सपेंस था इसीलिए उसके अकाउंट में जाएगा, बाय मिस्टेक डेबिट किया था तो हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय पंडित, सो बिजनेस का एक्सपेंस था, रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस था 12,000, वो किसने पेड किया था, पंडित ने, ओके, तो पंडित ने पेड किया था तो पंडित को हम उतने पैसे दे देंगे, यानी कि 12,000, और हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट साइड 12,000, यहाँ पे लिखेंगे पंडित अकाउंट, और उसके अकाउंट्स में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट, गुडविल इज वैल्यूएडेड एट 2,70,000, सो यहाँ पे हमको फर्म की टोटल गुडविल दी है 2,70,000, तो उसके हिसाब से पटेल की गुडविल एंड पंड्या की गुडविल फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे पटेल्स गुडविल कितनी लाएगा वो, तो उसका जो शेयर है 2,70,000 इनटू उसका शेयर 1/9, सो अमाउंट इज़ 30,000, पटेल को लानी पड़ेगी 30,000 एंड पंड्याज गुडविल इज इक्वल टू 2,70,000 इंटू उसका गेन कितना हो रहा है 6/27, सो अमाउंट इज़ 60,000। तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है पटेल के बारे में, देखो पटेल के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि पटेल गुडविल कैश में लाएगा, ऐसा कोई मेंशन किया हुआ नहीं है, तो ऑफिशियली उसके अकाउंट में से लेंगे 30,000, यानी कि उसके अकाउंट के डेबिट साइड किसको देना है, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसने, पंडित ने किया है इसीलिए, और पंडित के अकाउंट के क्रेडिट साइड किसने दिया, पटेल ने दिया, तो पटेल अकाउंट गुडविल। शायद बुक में यह एंट्री नहीं है 30,000 की, तो क्यों नहीं है वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद पंड्या के पास से 60,000 लेना है, तो पंड्या के अकाउंट में से 60,000 डेबिट करो, यहाँ पे वापस लिखो पंडित अकाउंट, और पंडित में क्रेडिट करो, देना है तो 60,000, यहाँ पे लिखना है पंडियाज अकाउंट, क्लियर। सो ये था गुडविल रिगार्डिंग एंट्री। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं कैपिटल ऑफ पंडित एंड पंडिया इन द फर्म, इन द न्यू फर्म शुड बी कैप्ट इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यानी कि ये कैपिटल के बारे में है, तो वो हम लास्ट में सॉल्व करने वाले हैं, अभी हम इसका टोटलिंग करेंगे। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देखो कितना है 5,000 प्लस 12,000, सो टोटल अमाउंट इज़ 17,000, 17,000 में से हम 8,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 9,000 बचा, इट्स कॉल अ लॉस, वो पटेल सॉरी पंडित एंड पंडिया के बीच में शेयर होगा, ओल्ड रेशियो में यानी कि 2:1 में शेयर करेंगे, सो अमाउंट इज़ 6,000 एंड 3,000, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड लॉस 6,000 एंड 3,000। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, पर टोटल लगाने से पहले देखो लास्ट वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, क्या बोला है यहाँ पे, कुछ ऐसा बोला है कि भाई कैपिटल ऑफ पंडित एंड पंडिया इन द न्यू फर्म शुड बी कैप्ट इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो न्यू रेशियो में रखना है, यानी कि यहाँ पे न्यू रेशियो कितना है 3:5:1, 3:5 में रखना है, और उसमें बेस क्या लेना है, बाय टेकिंग पटेल कैपिटल एज अ बेस, तो पटेल की कैपिटल को बेस लेना है, तो देखो पटेल का शेयर कितना है यहाँ पे 1 शेयर के हिसाब से वो कैपिटल कितनी लाया 50,000,
ओके, वन के हिसाब से वो 50,000 लाया। अब बात करते हैं पंडित की कितनी रखनी है। तो देखो वन के हिसाब से वो 50,000 लाया पटेल, तो पंडित का शेयर कितना है 3, तो 3 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, सो अमाउंट इज़ अ 1,50,000। तो पंडित का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 150। अब देखते हैं पंडिया का कितना रहेगा। वन के हिसाब से पटेल लाया है 50, तो पंडिया का है 5, 5 के हिसाब से कितना रहेगा, 5 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 1, सो अमाउंट इज़ अ 2,50,000। सो नाउ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, यानी कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इसका 150 रखना है, सेकंड का 250 रखना है, एंड लास्ट वन का कितना रखना है 50। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कैपिटल पंडित, पंडिया एंड पटेल 1,50,000, 2,50,000 एंड 50,000, तो अमाउंट इज़ अ 4,50,000। ओके चलिए अब इसका टोटल लगाएंगे। तो पंडित का ऑफिशियली क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 1,30,000, 14,000, 12,000, 30,000, 6,000, 60,000 सॉरी, सो अमाउंट इज़ अ 2,46,000। उसमें से माइनस करो 20,000, 6,000, 1,50,000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ अ 70,000। तो ये 70,000 कहाँ पे डालना है, करंट अकाउंट में लिख दिया करंट अकाउंट, यहाँ पे डेबिट हुआ, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड लिखेंगे पंडित करंट अकाउंट 70,000। चलो पंडिया की बात करते हैं, यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 10,000, 8,000, 60,000, 3,000, 2,50,000, 3,31,000, उसमें से माइनस करो 1,20,000 एंड 7,000, सो 2,04,000 इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में। सो यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड पंडियाज करंट अकाउंट 2,04,000। पटेल की बात करते हैं तो ये साइड का ज़्यादा है 80 में से 50 माइनस करो तो अमाउंट इज़ अ 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे पटेल्स कैपिटल अकाउंट सॉरी करंट अकाउंट 30,000। अब देखो मैंने ये बोला था ये 30,000 की एंट्री, तो यहाँ पे गुडविल की एंट्री इन लोगों ने बैलेंस कैपिटल में नहीं की है, ये 30,000 डायरेक्टली ट्रांसफ़र करंट अकाउंट में किया है, यानी कि यहाँ पे 30,000 डायरेक्टली लिख दिया है। सो हम इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। चलिए सो अब बात है कैश की, 80 प्लस 50 130 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 1,30,000। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे 4,50,000, 10,000, 12,000, 50,000, 57,000, 5,000 एंड 70,000, 6,54,000 हियर, 2,40,000, 26,000, 24,000, 2,04,000, 30,000 एंड 1,30,000, सो अमाउंट ऑल्सो 6,54,000। सो ये इलस्ट्रेशन में नया क्या था, तो नई दो चीज़ थी, एक पंडिया को गेन हो रहा है तो गेन के हिसाब से गुडविल लाएगा और जिसने भी सेक्रीफाइस किया उसको देगा, और सेकंड यहाँ पे इनका लास्ट वाला जो कैपिटल का बैलेंस था वो न्यू प्रपोर्शन में रखना है, तो न्यू प्रपोर्शन में रखा और उसका बेस लेना है पटेल की कैपिटल को, पटेल की कैपिटल को बेस लिया 50,000 और 3 और 5 के रेशियो के हिसाब से दोनों के बीच में
शेयर किया। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 27। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 28। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।